फर्स्ट टाइम यू जो फिशला आर्टरी जो अभी हम लगा रहे हैं वो रेट्रो ग्रे डायरेक्शन में लगा रहे हैं। डोपलर भी दिखा देंगे इस मशीन में कैसे किया जाता है, और नोट्स के साथ आपको ये वीडियो पूरी मिलने वाली। 6S के बारे में जरूर पढ़ा होगा आपने, उसमें क्या होता है कि सब चीज़ फुलफिल होनी चाहिए फिशला की, तभी फिशला फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया जा सकता है। अभी इसमें देख रहे हो आप, इसको वेन के एकदम बीच में लेके जाएंगे, फिर हम लोग फ्रिज दबाएंगे जिससे कि हमें पता लग सके इसका डायमीटर कितना है वेन का। ठीक है, तो वेन का डायमीटर देखते हैं और फिर आपको हम फ्लो भी दिखाएंगे, फ्लो कैसे देखा जाता है इसके अंदर, क्योंकि जो फ्लो होता है वो 600 ml पर मिनट होना चाहिए और जो डायमीटर होता है वेन का वो 6 mm होना चाहिए। बाकी 5 to 6 week ओल्ड होने के बाद ही ये सब चीज़ें चेक करी जाती हैं। और फिलहाल के लिए एक दो चीज़ और है जो आपको नोट्स में पता लग जाएगी, फिलहाल के लिए आप हम इसका फ्लो देखते हैं और फिर फिशला कैसे लगाया जाता है नया इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, और इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि नए फिशला पे आप दिखाइए वीडियो को, तो ये वीडियो आ चुकी है। तो इनका फिशला चेक कर लिया गया है, सब कुछ एकदम फ्लो वगैरह डायमीटर वगैरह एकदम चेक करके अब हम लगाते हैं। फिशला से डिस्टेंस रखनी है हमें 5 to 6 cm की डिस्टेंस होनी चाहिए फिशला से, उसके बाद ही आर्टरी लगा सकते हैं। फिशला के जो नियर लगाई जाती है हमेशा आर्टरी लगाई जाती है, क्योंकि तभी उसमें फ्लो अच्छा आता है, और हमेशा जो आर्टरी लगाई जाती है वो हमेशा रेट्रो ग्रेड डायरेक्शन में लगाई जाती है, दैट मीन्स अपोजिट द ब्लड फ्लो, जिस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो चल रहा है उसके अपोजिट लगाई जाती है। तो फिलहाल आर्टरी लगा दी गई है, आप चेक कर सकते हो एकदम मस्त फ्लो आ रहा है। तो इसमें टेपिंग करते हैं और फिर वेन की तरह, वेन हमेशा लगती है आपकी इंटीग्रेट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ब्लड मूव कर रहा है हार्ट की डायरेक्शन में लगाई जाती है। देखो ये अपोजिट होने से बेनिफिट ये होता है कि एक तो रीसर्कुलेशन के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है आर्टरी और वेन लगाने के बीच की डिस्टेंस, अगर ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में, अभी देखो हम क्या अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, हमने आर्टरी दूसरी डायरेक्शन में लगाई है, वेन को दूसरी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इसमें कम से कम 1 inch का डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, ये कंपलसरी होता है। और अगर सेम डायरेक्शन में लगाओगे तो आपको कम से कम 2 inch का गैप रखना है दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी समझने वाली है। नीडलिंग तो कोई भी कर लेता है, बट जो लॉजिकल टेक्निक है ना वो बहुत ज़रूरी हो जाती है फर्स्ट टाइम यूज़ ऑफ एवियर फिशला के अंदर। तो ये था इस वीडियो में देखने के लिए, अब मैं आपको थॉर्टिकल बता, अब हम देख लेते हैं इसको थॉर्टिकल। देखिए फर्स्ट टाइम जो फिशला यूज़ किया जाता है ना, और वो जिसके द्वारा भी नीडलिंग की जाती है, ये एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है और डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि ये आपको अपॉर्चुनिटी तभी मिल पाती है जब आप एटलीस्ट 3 से 4 साल कहीं काम कर लेते हो और आपको एक्सपीरियंस हो जाता है फिशला नीडलिंग का या फिर कैनुलेशन का। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके एकदम सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं फर्स्ट टाइम जब फिशला को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, पहले हम थोड़ी सी फिशला के बारे में बात कर लेते हैं, उसका एनास्टोमोसिस कैसे कैसे कितने टाइप्स का होता है, किस तरीके से फिशला एक्चुअली में बनता कैसे है। ठीक है, और पूरा प्रोसीजर जो होता है फिशला बनने का, उसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो डाल देंगे, क्योंकि जहां मैं वर्किंग हूं वहां पर डेली फिशला बनाए जाते हैं, तो उसके भी वीडियो हम लोग एकदम आपको अच्छे तरीके से दिखा देंगे। फिलहाल के लिए हम लोग थॉर्टिकल देख लेते हैं कि फर्स्ट टाइम फिशला यूज करने से पहले क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आपको पता है परमानेंट वैस्कुलर एक्सिस के नाम से बोला जाता है फिशला को, क्योंकि अगर ये एक बार बन जाता है, अगर पेशेंट उसकी केयर अच्छे से करें और कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, तो लाइफ लॉन्ग चलता है ये। और देखिए ये इसमें कैसे एनास्टोमोसिस किया जाता है। देखो एनास्टोमोसिस एक वर्ड है, जब 2 arteries या वेन को कट लगाकर उन्हें आपस में जोड़ा जाता है तो उसे एनास्टोमोसिस कहा जाता है उस वर्ड को। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या दिखा जा रहा है, एक वेन है और एक आर्टरी है। ठीक है, इनको कट करके आपस में ज्वाइन कर दिया गया है, तो इनका यहाँ पे एनास्टोमोसिस हुआ है। अब इसके भी टाइप होते हैं, कितने टाइप का किया जाता है तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आपने AVF ग्राफ्ट के बारे में भी सुना होगा, जिसमें क्या होता है कि आर्टरी है, ठीक है, और ये आगे से यहाँ से कुछ ना कुछ कमियाँ आ गई हैं, पहले फिशला बना होगा तो उसमें इतना अच्छा फ्लो नहीं आया होगा या फिर रप्चर वगैरह हो गया होगा, तो फिर मुश्किल हो जाता है बनना, तो ग्राफ्ट का यूज किया जाता है। तो आर्टरी और वेन को आपस में कनेक्ट कर लेगी ग्राफ्ट, यहाँ से एक ट्यूब टाइप का डाल के इसको जॉइंट कर दिया जाता है, तो ये आपका ग्राफ्ट हो जाता है। इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आपको प्रोसीजर प्लस थॉर्टिकल दिखा देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं बात कर रहा था एनास्टोमोसिस कितने टाइप का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉमन
आर्टरी विनस फिस्टुला अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ एनास्टमोसिस। एनास्टमोसिस मैंने आपको बताया जब आर्टरी और वेन को कट करके आपस में जॉइंट किया जाता है उसे हम एनास्टमोसिस कहते हैं। अब देखिए टाइप्स कितने, पहले एक टाइप देखते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट टाइप में क्या है, साइड ऑफ आर्टरी टू द साइड ऑफ वेन, ठीक है। नाम से आपको पता चल रहा है कि जो आर्टरी है उसको कट कर दिया गया साइड से और वेन को कट कर दिया गया और आपस में इन्हें कंबाइन कर दिया गया सूचर लगा के, ठीक है। जो इसमें सूचर यूज किया जाता है मोस्टली 60 यूज किया जाता है जिसे प्रोवीन कहा जाता है, ठीक है। 60 सूचर से इन्हें आपस में टाई किया जाता है वेन और आर्टरी को, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड मेथड क्या होता है, साइड ऑफ आर्टरी टू द एंड ऑफ वेन। अब देखिए क्या है, आर्टरी को सेम किया है, यहाँ से भी साइड से किया था, यहाँ से भी साइड से कर दिया, बट इसमें क्या कर दिया, एंड ऑफ वेन। अब ये वेन इधर से आ रही है, पेशेंट का आर्म यहाँ पे है, ठीक है। ये पेशेंट का आर्म है, ठीक है। आप इसे रेडियल फिस्टुला मान लीजिए, और देखिए रेडियल और ब्रेकियल के बारे में अभी मैं बात करूँगा आपसे, रेडियल और ब्रेकियल कहाँ पे होता है, ठीक है। और वो टॉपिक आपका उसमें भी क्लियर हो जाएगा जब हम फिस्टुला बनाने दिखाएंगे कैसे बनता है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये देखिए जो इसमें क्या हो रहा है, ये पेशेंट की वेन है और ये पूरी इधर से आर्टरी आ रही है, ठीक है। अब वेन को यहाँ से, ये पूरी वेन थी पहले इतनी, इसको कट करके यहाँ पे आर्टरी के अंदर जोड़ दिया सीधा, और इस वाली को यहाँ से टाई कर दिया, ठीक है। ऐसे पूरी को जोड़ दिया, तो ये आपको कौन सा हो गया, सेकंड टाइप हो गया, साइड ऑफ आर्टरी टू एंड ऑफ वेन, ठीक है। अब एंड ऑफ आर्टरी टू द साइड ऑफ वेन, इसमें क्या कर दिया, सिर्फ अपोजिट कर दिया, ठीक है। ये पूरी वेन थी पेशेंट की और ये पूरी आर्टरी थी, ठीक है। तो आर्टरी को वेन के साइड से जोड़ दिया इसमें, ये बहुत ही कम यूज किया जाता है मेथड, ठीक है। अब देखिए एंड ऑफ आर्टरी टू द एंड ऑफ वेन, इसमें क्या किया, ये पूरी पूरी ऐसे वेन थी, इधर सीधी जा रही थी और ये पूरी आर्टरी थी, इन दोनों को कट करके आपस में ऐसे ज्वाइन कर दिया गया। तो ये चारों मेथड आपको एकदम से क्लियर हो गए होंगे, इस तरीके से एनास्टमोसिस किया जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कि फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए क्या करना होता है। देखो काइंड ऑफ नीडल, सबसे पहले आप नीडल्स कौन कौन सी यूज करोगे, देखिए 16, 15 और 14 ये आती हैं, जिसमें मैं रिकमेंड यही करूँगा एज अ जितना एक्सपीरियंस मेरे को है कि आप सिर्फ 16 और 17 यूज़ कीजिए न्यू फिस्टुलास के लिए, ठीक है। 16 या 17 दोनों में से कोई सी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। स्मॉलर डायमीटर नीडल सीरियसली लिमिट द फ्लो ब्लड, सिंपल सी बात है, डायमीटर कम होगा तो उसका फ्लो रेट की कुछ लिमिट्स होंगी कि वो इतनी स्पीड पे ही जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो फिस्टुला स्टार्ट किया जाता है स्पीड कम ही रखते हैं। सेलेक्शन ऑफ द नीडल डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू टू बी पेनिट्रेटेड, जो आपने अल्ट्रासाउंड के अंदर देखा है कि उसकी डेप्थ कितनी है वेन की, 6 mm है या फिर उससे कम है, तो उसके हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा कि नीडल आपकी 16 गोज लेनी है, 17 गोज लेनी है या फिर 14 लेनी है। 14 तो नहीं बनता है, 15 भी नहीं, 16 या 17 में से एक, ठीक है। साइज ऑफ द वेन, वेन का कितना साइज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी अब हम मेन चीज़ बात कर लेते हैं कि चेक कैसे किया जाता है। देखिए इस डायग्राम से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये पेशेंट का क्या है, एनास्टमोसिस हो रखा है, यहाँ पे आर्टरी और वेन को कनेक्ट किया गया और यहाँ से जो कनेक्ट करने के बाद ब्लड जो जा रहा है इस वेन में से जा रहा है, आर्टरी और वेन का दोनों का कनेक्ट करने के बाद, ठीक है। देखिए क्या होता है कि इसमें सबसे पहले जब अल्ट्रासाउंड से चेक किया जाता है, सबसे पहले आप लोग क्या देखते हो, इसमें फ्लो देखा जाता है, आर्टरी और वेन का दोनों का फ्लो मिक्स होके जा रहा है, उसका जो फ्लो है वो कितना होना चाहिए, 6 mL/min का होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में ही आपको पता लगेगा जो डॉपलर की मशीन है, जब डॉपलर किया जाता है, ठीक है। हम एक डॉपलर वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए। अब फिर क्या होता है, आपको ये देखना होता है कि इसका एनास्टमोसिस से लेकर जहाँ भी आपको नीडलिंग करनी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, जहाँ भी आपको नीडलिंग करनी है एटलीस्ट आप 4 से 6 cm का गैप होना चाहिए, ठीक है। ये भी 6 में आ गया आपका, कि हमने दो चीज़ देख ली, 6 mL देख लिया हमने और इसका डिस्टेंस देख ली। अब देखो आपको क्या देखना है इसका, कि इसका जो डायमीटर है, जो वेन है इसका डायमीटर ये कितना होना चाहिए, ये आपका 6 mm होना चाहिए। और चीज़ जो फिस्टुला है वो कम से कम 4 से 6 week कम्प्लीट होने चाहिए उसे, ठीक है, 4 to 6। देखिए ये क्या होता है, मेडिकल लाइन में कोई भी चीज़ एकदम एक्यूरेट उसी एक्यूरेट फिक्स नहीं होती एक डेट पे कि आप 6 week में ही स्टार्ट करोगे, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ पेशेंट होते हैं जो 4 week में उनका फिस्टुला इतना मैच्योर हो जाता है कि डॉपलर से आप देखोगे तो सारी चीज़ें उनकी फुलफिल मिलेंगी, ठीक है। देखिए फिस्टुला मैच्योरेशन में आप देखोगे रूल ऑफ 6x, ठीक है, 6 week old
होना चाहिए, ठीक है, 6 mm डेप्थ होना चाहिए स्क्रीन से लेकर वेन तक, ठीक है। ये वाली बात और ऐड कर देते हैं इसमें, देखिए जो आपकी ये स्क्रीन है ये वाली, और यहाँ से लेके ये कितना होना चाहिए 6 mm, ये भी, ठीक है, ये भी आपका कितना होना चाहिए 6 mm होना चाहिए। और क्या हो गया आपका 6 mm फिशला का डायमीटर होना चाहिए और 6 ml पर मिनट से फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। देखिए ये नॉर्मल सी चीज़ है जो डेली बेसिस पे आप लोग देखते ही होंगे, अगर आप एक नर्स हो या फिर टेक्नीशियन हो तो आपको ये देखने को मिलती होगी। पेशेंट को कहना है अपना हाथ अच्छे से धो के आना है, ठीक है, फिर उसे आपको अल्कोहल से क्लीन करना है और प्लस आपको बीटाडीन से क्लीन करना है। क्लीन करने का तरीका एक बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब कि सर्कुलर, जैसे मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था कि हमेशा सेंटर से सर्कुलर मोशन में जाना होता है, ठीक है, एक वर्ड नहीं यूज किया यहाँ पे, ठीक है, सेंटर से स्टार्ट करोगे और यहाँ से ऐसे आपको सर्कुलर मोशन में जाना है, ठीक है, सेंटर से। इसे दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं हम, सेंटर टू पेरिफेरल, ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्लीनिंग का प्रोसेस होता है पूरा। लीव द सोल्यूशन टू ड्राई प्रियर टू निडल इंसर्जन, उसे एकदम ड्राई होने के लिए वेट करना है निडल इंसर्जन से पहले, फिर आपको स्टार्ट करना है। आपको स्किन को दोबारा टच नहीं करना है, अगर गलती से टच भी हो जाए तो उसे फिर से आपको क्लीन कर लेना है, ठीक है। देखिए उसके स्टेप क्या क्या होते हैं मैं आपको इस तरीके से एक बार दिखा देता हूँ, बाकी प्रैक्टिकली आपको इतने अच्छे से दिखा दिया कि आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको फील करना है, ठीक है, और उसकी आपको लिसन करना है अच्छे से कि डेप्थ कितनी है ये सब क्या, फिर आपको स्टार्ट करना है। एंगल आपका इसमें देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ 25 दिएगा, बट ऐसा नहीं होता, वेरी करता है 20 से 35। मैं प्रैक्टिकली नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है, 20 से 35 ये वेरी करता है एंगल, ठीक है। ये यहाँ पे पेंटेड कर दिया गया है और यहाँ पे आपने लास्ट में माइक्रोपोर और टेपिंग कर दिया अच्छे से। एंगल ऑफ इंसर्जन जैसा मैंने बताया 20 से 35, डिपेंडिंग ऑफ वेन की डेप्थ कितनी है। देखिए दो डायरेक्शन होती है, रेट्रोग्रेड और एंटीग्रेड, ठीक है। रेट्रोग्रेड डायरेक्शन वो होती है जिसमें आर्टरी फिशला के डायरेक्शन में लगाई जाती है, मतलब एक तरीके से उल्टी साइड लगा रहे हैं, क्योंकि हमें फ्लो लेना है और उल्टी साइड लगाने से फ्लो क्या अच्छा आ जाता है और रीसर्कुलेशन के चांस रहते ही नहीं है फिर अगर आप उल्टी लगाओगे तो आर्टरी, ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट उसका वो है, ठीक है। आर्टरी उल्टी लगाने से बहुत बेनिफिट होती है। वेन को हमेशा आपको एंटीग्रेड डायरेक्शन में लगाना होता है, सीधी लगाना होता है। आर्टेरियल नीडल विद अ बेवल अप और कैनुलेशन में भी इम्प्रूव एक्सिस सर्वाइवल, ठीक है। कभी भी जो आपका बेवल होता है वो डाउन नहीं रखना चाहिए। अब देखिए रिमूव का देख लेते हैं। निडल हमेशा आपको सेम एंगल में ही रिमूव करनी चाहिए, जैसे आपने लगाई है उसी एंगल के अंदर रिमूव करनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी आप ऊपर नीचे करोगे तो वो क्या है अंदर ही अंदर काउंटर हो जाएगी, उस टाइम पे आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप निकाल ले हो रिटर्न करने रहे, ठीक है। हल्का से भी आप चेंज करोगे तो एकदम से काउंटर कर जाएगी, एकदम जेंटली निकालना चाहिए, ठीक है। डू नॉट अप्लाई प्रेशर वाइल द निडल इज इन द वेन, जैसे ही वेन से बाहर आएगी आपको प्रेशर अप्लाई करना है, और प्रेशर अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। को टेक्निक क्या यूज करनी होती है निडल निकालने के लिए, जहाँ भी जैसे आपने निडल निकाली आप देखिए उसके अंदर फ्लो आ किस साइड से रहा है। सबसे पहले आपको देखना है फ्लो उस वेन के अंदर जो फ्लो आ रहा है किस साइड से आ रहा है, फिशला में से घूम के आ रहा है या फिर अगर वेन है तो वापिस जा रहा है, तो आपको हमेशा उसे नीचे वाला प्रेस करना है, मतलब जिधर से फ्लो आ रहा है पहले उसके ऊपर एक आप अपना थंब रखिए और अब धीरे से गौस से वहाँ पर प्रेस कीजिए जहाँ से आपने निडल रिमूव करिए, फ्लो बहुत ईजिली रुक जाएगा, बहुत ईजिली। अब तो यही चीज़ इसके अंदर टेक्निक में बताई गई है। रिमूव का भी हो गया, तो होपफुली आपको इस वीडियो में बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी हम इसके कॉम्प्लिकेशन की क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं, फिशला फेलियर कैसे होते हैं, फिशला कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगी। और तब तक के लिए हम करते हैं बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत। और एम जरूर कंप्लीट कर देना 500 लाइक का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।